हम सबको सोचना चाहिए कि कुरान की किस हुक्म को मैं अभी तक नहीं मान पा रही, तो आप देखेंगे उसके पीछे रुकावट क्या है। उसके पीछे रुकावट हमारा अपना नफ्स है, हमारा अपना दिल है। जिस चीज को हमारा दिल मान जाए, चाहे सारी दुनिया उसको बुरा भला कहती रहे, हम कर लेते हैं। एक लड़की अगर अपना घर छोड़कर भागती है तो घर वालों की प्रोटेक्शन, इज्जत, जो उसको सहूलतें वहां मिली हुई हैं, वो सारी चीजें छोड़कर सिर्फ एक बात से नाराज होकर कि उसकी बात कोई नहीं मानी गई, वो घर छोड़ के चली जाती है। या किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माँ बाप को, अजीजों, रिश्तेदारों और जिंदगी की हर सहूलत को छोड़कर चली जाती, तो उसने भी दरअसल क्या किया है? नफ्स को इलाह माना है, अपने नफ्स को पूजा है, दिल की ख्वाहिश के पीछे हर चीज कुर्बान कर डाली। तो इसी तरह कोई भी ऐसा काम कि जो किताब अल्लाह से टकराता हो, तो उसमें भी हम देखेंगे कि हम अमल उसी वक्त छोड़ते हैं जहां हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। को बात माशरे के खिलाफ हम उस पर भी स्टैंड ले लेते हैं, अपने वालदैन के खिलाफ उसको भी छोड़ देते हैं। सबको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान, सबसे सख्त तरीन इम्तिहान अपने दिल की मर्जी को छोड़ना है, सबसे सख्त बात। कल ही कोई मुझे किस्सा सुना रहा था कि एक लड़की का वाकया, कि उस लड़की को हर एक ने समझाया, रो रो के समझा। किसी लड़के के साथ भाग गई और बहुत वला घराने की लड़की थी, और भागी भी किसके साथ? एक मजदूर के साथ जो डेली वेजिस पे काम करते। अब जाहिर है कि एक खानदानी लड़की हो और उसके बाप की शराफत की पूरी दुनिया दाद देती थी कि यानी इतना पायस इंसान और इतना नेक और इतना, अब बेटी जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ चली गई। अब आप खुद सोचें कि खानदान के लिए कितनी बदनामी की बात है, कितनी बुरी शोहरत है। दादी गई, नानी गई, माँ गई, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, हर एक ने समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। और आप खुद सोचें कि क्या चीज है जिसने सारी दुनिया एक तरफ करवा दी, और एक घटिया सी चीज, घटिया इस लिहाज से नहीं, नौजबला हर इंसान बाइज्जत और हर, लेकिन इस्लाम में जो कुफ है ना कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से खुद हैं, एटलीस्ट उतना तो आपका जहां आप शादी कर रहे हैं उसका लेवल होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर वो लेवल एक ना हो, जरा नीचे का लेवल हो, तो अमूमन लड़की उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती। लेकिन किसी की नहीं सुनी, जेल में रही, मारे खाई, हॉस्पिटल पहुंची, हर काम हुआ, लेकिन जो दिल की बात उसको नहीं छोड़ा। तो अब आप देखें, माँ बाप छोड़ सकता है इंसान, छोड़ दिए, सब रिश्तेदार छोड़ दिए, माँ बाप की इज्जत कुर्बान की, अपना घर, अपना मालो दौलत, हर चीज कुर्बान की, लेकिन एक दिल की मर्जी पे चल के एक चीज को जो इख्तियार किया तो उससे ना हटी। तो इसीलिए दिल की ख्वाहिश जो है, इसके खिलाफ कोई काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। और जो शख्स इसमें कामयाब हो जाए, अपने नफ्स के खिलाफ चलने में कामयाब हो जाए, अपने दिल की मर्जी के खिलाफ चल सके, वही दरअसल कामयाब इंसान है।